हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज है मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी। आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक मेटल काइट को हमने उड़ाया था, बोले तो अल्मोनियम फाइल से वो पतंग बनाया था और काफी अच्छे से वो काफी दूर तक गया था। तो हमने सोचा कि चलो आज फिर से एक पतंग उड़ाते हैं। हमने बनाया है उससे काफी बिग साइज का पतंग और वो बनाया है प्योर प्लास्टिक का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये रही वो पतंग, एक बार इसकी हाइट तो देखो, देख सकती हो इसकी हाइट कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी में फैली हुई है। और ये पतंग जो है वो प्योर प्लास्टिक से बनी है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि ये बांस का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दिया है ताकि अच्छे से सपोर्ट से उड़ सके। आई थिंक काफी हल्का है और काफी दूर तक जाने वाली है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस पतंग का साइज थोड़ा सा बिग साइज कर दिया है, यानी कि बड़ा कर दिया है, और वही जो बांस का टुकड़ा है उसको भी बड़ा करके और यहाँ पे अच्छे तरीके से टेप से चिपका दिया है। और इसकी पूंछ देखो गाइस किस तरीके से हवा में लहरा रही है। अब देखते हैं कि ये जो पतंग है किस तरीके से हवा में उड़ती है या उड़ भी नहीं पाती है, क्योंकि हमने ना ऐसा पतंग कभी बनाया है और ना ही कभी उड़ाया है। तो चलो देखते हैं कैसा यह पतंग उड़ता है। आप वीडियो को लाइक कर देना और हम उड़ाते हैं पतंग। ये पतंग तो खुद से ही उड़ने के लिए कोशिश कर रही है, लगता है इस बार हमको ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। चलो मैं इसे छोड़ता हूँ ना धीरे धीरे। ओ उड़ जा ओ भाई, अरे गजब यार। अभी थोड़ी सी हलचल हुई है और ऊपर जा भाई, और ऊपर जाना यार, मजा नहीं आने वाला है। फिर गाइस हमने क्या किया कि ये जो बलून था उसको हटा दिया है। अब देखते हैं कि ये पतंग कितने दूर तक जाती है। एक बार इस मांझे को देख लो, कितना यहाँ पे हमने मांझा को लपेटा है, और देखते हैं ये कितने दूर तक जाने वाली है। और बीच में हवा भी बंद हो गई थी इसके कारण ये गिर चुकी थी नीचे। तो अब चलो उड़ा कर देखते हैं इसे। सोचा था कि ये जो धागा है पूरी तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे हवा नहीं चल रही है, लेकिन हमने इतना सा धागा छोड़ा है, यहाँ पे इतना सा मांझा बचा है। फिलहाल अभी हम लोग पतंग को उतारते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलो धागा लपेटता हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है उड़ाने में, तो मजा आता है लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत लगती है धागा लपेटने में। गाइस हमें बस ये देखना था कि ये पतंग अच्छे तरीके से उड़ पाता है कि नहीं, क्योंकि हमने पहली बार ऐसे पतंग बनाया था। बस आप लोग ये ऐसे पतंग को बना सकते हैं, बस आपको बड़ा साइज कर लेना है और प्लास्टिक का, आप पेपर का भी बना सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, ओके बाय। और हाँ, अगर आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा सा खुला प्लेस में देख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, और अगर खुला छत हो बिल्कुल ही मत उड़ाइएगा क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।